खड़ा होने का जगह था कि नहीं था? खड़ा भी जगह होने का नहीं था, जगह खड़ा भी होने का जगह नहीं था। जाने आने में क्या परेशानी हुई? बहुत परेशानी होती है जाने में भी। जाने में कितना परेशानी होता है? बहुत ज्यादा होता है। खड़ा होने का गेट में घुसने नहीं देते हैं लोग। जाने के समय में भी जी गेट पे घुसने नहीं देता है? नहीं, गेट नहीं खोलते हैं लोग। गेट नहीं खुलता है लोग। दो तीन बार फिर भी गए हैं लोग। हम लोग दो तीन बार फिर गए हो लोग? हाँ, इतना भीड़ होने की वजह से। छोटा भाई तो कमाता नहीं है। कमाता नहीं है? नहीं। और छोटा भाई? छोटा भाई है तो घर पे रहता है। पापा क्या करते हैं? पापा नहीं, गुजर गए। पापा गुजर गए हैं। बताइए, अब इस छोटे बच्चे के पापा नहीं है और पापा नहीं होने के कारण बड़ा भाई इनका कमाता नहीं है, इसके कारण परिवार का भरण पोषण करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। देखिए, समस्या ये है, समस्या जातिगत जनगणना नहीं है। महोदय नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रंजन और आप देख रहे हैं पब्लिक पोल। अभी मैं बेतिया स्टेशन पर हूं और दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कहीं बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। बिहार में किसी भी व्यक्ति के लिए कोई रोजगार का बढ़िया साधन नहीं होने के कारण छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ करके जाना पड़ता है। इतना ठंडी का मौसम है, सब कोई चाहता है कि अपने घर पे रहें, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ से घर से बाहर जाना पड़ रहा है। समझने वाली बात है। कुछ दिन पहले बिहार में जातिगत जनगणना का रिपोर्ट कार्ड जो है नीतीश कुमार जी के द्वारा पेश किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, और उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफें हो रही हैं। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यदि जातिगत जनगणना इतनी अच्छी है तो आप जब 2005 में आए थे महोदय, उस समय आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराया था? सबसे पहले इस बात के लिए मैं इन लोगों का जाति पूछ लेता हूँ। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? विक्की कुमार। विक्की कुमार, किस जाति से हो? गोड़। बुरा नहीं ना लग रहा है? नहीं। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? पृथ्वीलाल कुमार। पृथ्वीलाल कुमार, कौन सी जाति से हो? गोड़। गोड़ हो। एससी एसटी में आते हो तुम लोग? ईबीसी में आते हो? चलिए, हम नहीं इस पे नहीं जाएंगे कि ये लोग किस कैटेगरी में आते हैं। मुझे भी नहीं पता है कि गोड़ लोग किस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है जो यहाँ से बाहर जाने के लिए तैयार है? आज के डेट में ठंडी का मौसम है, हर कोई अपने घर पे रहना उचित समझता है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बाहर जाने कमाने। बाहर कमाने? कितना भाई बहन हो? तीन भाई हैं। तीन भाई? बड़ा तुम ही हो? हाँ, माजिल है। माजिल हो? और भाई लोग क्या करता है? बड़ा भाई है तो कमाता नहीं है। कमाता नहीं है? नहीं। और छोटा भाई? छोटा भाई है तो घर पे रहता है। पापा क्या करते हैं? पापा नहीं, गुजर गए। पापा गुजर गए हैं? बताइए, अब इस छोटे बच्चे के पापा नहीं है और पापा नहीं होने के कारण बड़ा भाई इनका कमाता नहीं है, इसके कारण परिवार का भरण पोषण करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। देखिए, समस्या ये है, समस्या जातिगत जनगणना नहीं है। महोदय, आप जातिगत जनगणना जो कर रहे हैं ना, वो समस्या नहीं है। अगर आपका नियत सही होता ना, इस बच्चे को बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ता। क्या नाम है बाबू आपका? क्या बोले थे? पृथ्वीलाल। बोल रहे हैं कि कितने भाई हो तुम? दो भाई। दो भाई हो तुम? बड़े हो या छोटे हो? छोटे हैं। छोटे हो, क्या करता है भाई तुम्हारा? भाई वो भी घूमता ही है। वो भी घूमता है, काम नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता नहीं। है। पापा क्या करते हैं? पापा लेबर काम करते हैं। लेबर का काम करते हैं? मैंने कौन सा लेबर का काम? जो राजमिस्त्री। राजमिस्त्री में काम करते हैं जी। पढ़े हो? जी पढ़े। कितना? 10th class। 10th class तक पढ़े हो? तुम कितना पढ़े हो बाबू? 7th तक। 7th तक पढ़े हो? बताइए, एजुकेशन इतना जरूरी है, अगर ये बच्चा लोग कम से कम ग्रेजुएट किया रहता तो इन लोगों को बाहर में भी अगर जाके नौकरी करना पड़ता तो इन लोगों को कुछ अच्छा नौकरी मिलता, अच्छा सैलरी मिलता। कितना सैलरी मिलता है तुम लोगों को बाहर में? 500 रोज का मिलता है, महीना का 15,000। महीना का 15,000 मिलता है? तुम्हारा कितना सैलरी है? 15,000। कौन सा काम करते हो? राजमिस्त्री का काम करते हो? राजमिस्त्री का काम करते हो? लेबर का काम नहीं, हम सीख लिए। सीख लिए हो? तुम कौन सा काम? लेबर। लेबर का काम करते हो? देखिए, लेबर का काम करने के लिए भी यहाँ पे घर बनाने वाला लेबर, वो भी काम करने के लिए इन लोगों को बाहर जाना पड़ता है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? लुधियाना। लुधियाना जा रहा है लोग? कौन गाड़ी से जाना है? जाना है। कितना बार गए हो, आए हो बाहर? अभी तो पहले दूसरा तीसरा बार जा रहे हैं। तीसरी बार जा रहे हो? गाड़ी में आने के समय और जाने के समय में क्या क्या परेशानी होती है? उधर से मगर छठ से छठ में आए थे तो बहुत गजन भीड़ हुआ था। मैंने क्या गजन हुआ था? यही दिक्कत, आदमी जनता ज्यादा थे, भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ था। खड़ा होने का जगह था कि नहीं? खड़ा भी जगह होने का नहीं था। जगह खड़ा भी होने का जगह नहीं था। कितना बार तुम गए हो बाहर? दो बार। दो बार। जाने आने में क्या परेशानी हुई? बहुत परेशानी होती है जाने में भी। जाने में कितना परेशानी होता है? बहुत ज्यादा होता है। खड़ा होने का गेट में घुसने नहीं देते हैं लोग। जाने के समय में भी जी गेट पे घुसने नहीं देता है? नहीं, गेट नहीं खोलते हैं लोग। गेट नहीं खुलता है लोग। दो तीन बार फिर भी गए हैं लोग। हम लोग दो तीन बार फिर गए हो लोग? हाँ, इतना भीड़ होने की वजह से। सबसे पहले बात बता देते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा एक अमृत महोत्सव चलाया जा रहा है, अमृत महोत्सव। उसके दौरान बताया ये जा रहा है कि भारत को अग्रणी से अग्रणी देश में विकसित करने के लिए काम हो रहा है। तो
यहाँ लेबर के जाने के लिए गाड़ियां नहीं है, गाड़ियों में जगह नहीं है, और पता नहीं कौन से आप लोग किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, कौन सा अमृत महोत्सव बना रहे हैं, किस अमृत महोत्सव के लिए काम कर रहे हैं। बच्चे हैं, लोग कहता है कि भगवान के रूप होते हैं बच्चे, बच्चों बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। उम्र देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि ये झूठ नहीं बोल रहे होंगे, और शायद जो जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को भी पता होगा कि ट्रेनों में कितनी भीड़ होती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। लोग कहता है कि मुंबई लोकल में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन कभी बिहार के ट्रेनों में आइए महोदय, और बिहार के ट्रेनों को देखिए, बिहार की ट्रेनें जो बिहार से बाहर जाती है उसको देखिए। नरेंद्र मोदी जी, आप देश के अन्य राज्यों के लिए जितना काम कर रहे हैं ना, आप उसका 10% भी बिहार पर ध्यान दे दीजिए, बिहार के लोगों का विकास ऐसे ही हो जाएगा। 10% भी आपका योगदान नहीं है अन्य राज्यों की अपेक्षा, और आप बिहार के लोगों के जवानी और पानी पे हमेशा सवाल खड़ा करते हैं। और बिहार के लोग, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2019 में आपको बिहार के लोगों ने 39 सीटें दी थी, 40 में 39 सीटें। देश के का आंकड़ा निकाला जाए तो सबसे अधिक किसी को समर्थन मिला था पूरे देश में, कहीं से मिला था तो वो था बिहार राज्य, बिहार से ही आपको उतना समर्थन मिला था, और आप ही के नाम पे 39 सांसद जीते हुए थे, चाहे वो जेडीयू के हो और चाहे वो भाजपा के हो। बाकी आप लोग इस वीडियो के विषय में, इन बच्चों की समस्याओं के विषय में, या फिर बिहार में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के विषय में आप लोग क्या कहना चाहिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।